चलो देखो, ये नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ, जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के यहाँ पर 2 मेथड है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको सिंपल मेथड बताऊंगा, और उसके बाद हम जो अभी अभी विषम दिन निकालना सीखा, उसके बाद हम विषम दिन से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया उसे पहले ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पर देखो, आज कुछ भी दिन रहा होगा, ठीक है भाई, आज हमने मान लिया कुछ भी दिन रहा होगा। अगर आज से इधर को जाओगे बाईं ओर को, तो इससे पहले के दिन, अगर आज से दाईं ओर को जाओगे तो इसके बाद के दिन, ठीक है। जैसे मैंने कहा आज से पहले, तो यहाँ पर कोई पहला दिन रहा होगा, इधर दूसरा दिन रहा होगा, इधर तीसरा दिन रहा होगा। अगर मैंने कहा आज के बाद, तो आज के बाद इधर कोई सा दिन रहा होगा। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, है ना, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो अब आप क्वेश्चन देखो कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। अब उसने कहा यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले सोमवार था, बीता हुआ कल क्या होगा, आज से, आज से पहले, देखो बीता हुआ कल है ना, यानी आज हमें नहीं पता क्या होगा, आज हमने मैंने रखा है यहाँ पर आज कुछ ना कुछ है, तो बीता हुआ कल कौन सा होगा, ये वाला, ये तो होगा बीता हुआ कल, होगा ना बीता हुआ कल। अब उसने कहेगा बीते हुए कल से 2 दिन पहले, बीता हुआ कल ही होगा, अब इससे 2 दिन पहले जाओ, यहाँ पर 1 दिन और 2 दिन, यानी ये वाला दिन दे रखा है आपको, कौन सा दिन है, ये सोमवार, यानी ये सोमवार है, ऐसा समझ लो। आज से बीता हुआ कल तो ये होगा, ये कौन सा कल है, बीता हुआ कल, बीता कल, ठीक है। अब इससे 2 दिन पहले हो जाओ, 1 दिन 2 दिन, तो यहाँ पर दिन दे रखा है, ये सोमवार था, तो अब आप क्या करो, आज का दिन फाइंड कर लो। तो अगर आज सोमवार, इससे अगला दिन क्या रहा होगा, मंगल, फिर इससे अगला दिन बुध, तो आज क्या आ जाएगा, बृहस्पति, यानी यो जो हमने दिन मानना था आज, वो बृहस्पति था, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो, तब आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा, आने वाला कल ही यहाँ पर होगा, अब इसके 4 दिन बाद बताना, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन और 4 दिन, यानी ये वाला दिन बताना। तो आज तो बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद क्या होगा, शुक्र, फिर शुक्र के बाद शनि, शनि के बाद रवि, रवि के बाद सोम, और सोम के बाद मंगल, यानी देखो सिंपल सा आंसर रहेगा मंगल। तो यो मेथड कोई भी यूज कर सके, ठीक है, इसमें मतलब कन्फ्यूजन कुछ नहीं है इसमें, आप कुछ भी आज मान लो, ठीक है, आज बीच का कुछ भी मान लो, उसके बाद आप इधर को बढ़ोगे तो पहले जाओगे, इधर को बढ़ेंगे तो बाद में जाओगे, और जो भी दिन दे रखा उसके अकॉर्डिंग चलो, ठीक है, इसे नोट करो। फिर देखो, तो अगर इस क्वेश्चन का आपको सेकंड मेथड देखो, इसका सेकंड मेथड क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आप क्या करो, यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करो, और जहाँ पर दिन लिखे हुए हैं ना, जैसा कल है, कल के लिए 1 दिन आओगा, 1 दिन तो रहा होगा, 2 दिन ही आएगा, यहाँ पर कितने हो गए, 3, फिर उसके बाद आने वाला कल 1 यहाँ पर आएगा, कितने हो गए, 4, और 4 दिन ये कितने हो गए, 8, यानी टोटल कितने दिन काउंट करें आप ना, 8, 1 और 2 3 और 1 4 और 4 8, यानी यहाँ पर कितने दिन निकल गए, 8 दिन निकल गए, ठीक है। अब 8 दिन में आप विषम दिन देखो कितने होंगे, तो 8 दिनों में विषम दिन कितने होंगे, 1 होंगे। अब आपको देखो, पीछे जाना है क्या आगे जाना, बाद 4 दिन बाद पूछा ना, इसका मतलब प्लस 1 कर दो, किसमें प्लस 1 करोगे, सोमवार में, तो जब आप सोमवार में प्लस 1 करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, मंगल। तो देखो इसका आंसर ऐसे भी दे सको, ठीक है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, इससे पहले तो आप करो सिंपल तरीके से सोल्व, और फिर करो उस मेथड से सोल्व। देखो, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तो इसका मतलब हमें आज तो पता नहीं, यहाँ पर मान लो कोई आज रहा होगा कोई भी दिन, ठीक है। अब बीते हुए कल, बीता हुआ कल ही होगा, इस तक 3 दिन पहले चले जाओ, 1 2 और 3, कौन सा दिन दिया, रविवार, ठीक है। अब आज का दिन निकाल लो आप, रविवार के बाद क्या आना चाहिए, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, यानी यहाँ पर भी बृहस्पति बैठा, हाँ आज बृहस्पति होगा। अब क्वेश्चन पूछा आने वाले कल के 5 दिन बाद क्या होगा, आने वाले कल, आने वाला कल तो होगा यो, इसके भी 5 दिन बाद चलना, ये तो आने वाला कल, अब 1 2 3 4 और 5, यानी ये वाला दिन आपसे पूछेगा, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, यानी आंसर क्या होगा आपका,
बुधवार हुआ, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर लो। या फिर अगर आप टोटल डेज काउंट करोगे, 3 दिन तो यहाँ पर ही होंगे, कल के लिए 1 दिन होगा और आने वाला कल 1 दिन यहाँ पर और 5 दिन ये यहाँ पर, तो कितने होंगे, 1 और 3 4 और 1 5 और 5 10, यानी कितने दिन होंगे यहाँ पर, 10 दिन। अब 10 दिन में ओवर डेज कितने होंगे, 3, बिल्कुल 10 दिन में ओवर डेज होंगे 3। अब देखो यहाँ पर भी क्या पूछा, बाद में पूछा, तो आप रविवार में 3 ऐड कर दो, जब रविवार में आप 3 ऐड करोगे तो आंसर क्या होगा, बुध, ठीक है, बुधवार। तो इस तरीके से आप आंसर दे सको इन क्वेश्चनों के। अब ये दो क्वेश्चन है ये होमवर्क है आपको पढ़ने, ठीक है, ठीक है। बता क्या रहा है?